देश में कोरोना की चौथी लहर आ चुकी है। ये सवाल इसीलिए क्योंकि अब देश में कोरोना की रफ्तार बेलगाम होती जा रही है। 5 दिन से हर रोज 12,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। इसी के साथ देश में कोरोना का इलाज करवा रहे मरीजों की संख्या 76,500 के पार चली गई है। पॉजिटिविटी रेट 4% के पार। देश में कोरोना संक्रमण दर भी लगातार बढ़ती जा रही है। 24 घंटे में देश में पॉजिटिविटी रेट 4.32% से ज्यादा रहा। शनिवार को पॉजिटिविटी रेट 2.66% था। पॉजिटिविटी रेट से पता चलता है कि 100 टेस्ट में से कितने संक्रमित मिल रहे हैं। अभी देश में हर 100 टेस्ट में 4 से ज्यादा मरीज मिल रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के मुताबिक अब तक पॉजिटिविटी रेट 5% के अंदर ही है, तब तक चिंता की बात नहीं है। लेकिन अगर ये संक्रमण 5% के ऊपर चला जाता है तो माना जाता है कि संक्रमण बेकाबू हो रहा है। वीकली केसेस भी बढ़ रहे हैं। देश में 3 हफ्तों से वीकली केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। 30 मई से 5 जून के हफ्ते में देश भर में कोरोना के 25,586 मामले सामने आए थे, जबकि 6 जून से 12 जून के बीच 48,767 मामले सामने आए। वहीं 13 से 19 जून के बीच 89,372 मरीज मिले थे। वीकली केस का ये आंकड़ा फरवरी के बाद सबसे ज्यादा है। मामले बढ़ने के साथ साथ अब हफ्ते भर में मौतों की संख्या भी बढ़ने लगी है। 30 मई से 5 जून के बीच देश भर में 90 कोरोना मरीजों की मौत हुई। वहीं 6 से 12 जून के बीच 70 लोगों की मौत हुई थी, जबकि इस हफ्ते यानी 13 से 19 जून के बीच 102 लोगों की जान कोरोना से गई है। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 6 महीने में सबसे ज्यादा। संक्रमण की खतरनाक रफ्तार राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रही है। यहाँ रविवार को कोरोना के 1,530 मामले सामने आए। लगातार 5वां दिन रहा ये, जब तक एक दिन में 1,300 से ज्यादा मरीज मिले थे। राजधानी में पॉजिटिविटी रेट लगातार बढ़ता जा रहा है। शनिवार को पॉजिटिविटी रेट 7.71% था, जो रविवार को बढ़ के 8.41% पर आ गया था। ये पॉजिटिविटी रेट 6 महीने बाद सबसे ज्यादा है। इससे पहले 28 जनवरी को 8.61% पॉजिटिविटी रेट दर्ज हुआ था। मुंबई में पॉजिटिविटी रेट 14% के करीब। कोरोना की नई लहर में इस बार भी महाराष्ट्र और उसकी राजधानी मुंबई सबसे ज्यादा मार झेल रही है। 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना के 4,000 नए मामले सामने आए। महाराष्ट्र के आधे से ज्यादा केस अकेले मुंबई के सामने आ रहे हैं। जी हाँ, मुंबई में रविवार को 2,087 संक्रमित मिले। यहाँ पर संक्रमण दर 14% के करीब पहुंच गई है, यानी कि हर 100 टेस्ट में से 14 की रिपोर्ट अब पॉजिटिव आ रही है। क्यों बढ़ रहा है कोरोना? देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के पीछे ओमिक्रॉन और उसके सब वेरियंट्स को जिम्मेदार माना जा रहा है। न्यूज एजेंसी के सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के लिए ओमिक्रॉन के BA.2 और BA.2.38 सब वेरिएंट्स हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग करने वाली सरकारी संस्था INSACOG से जुड़े सूत्रों के हवाले से न्यूज एजेंसी ने बताया कि 85% मामलों में BA.2 और 33% मामलों में BA.2.38 की पुष्टि हुई। वहीं 10% से भी कम मामलों में BA.4 और BA.5 मिला है।